वेल ये द कॉज इज़ ही फॉर शी और बड़ा ही सिंपल सा है. इसको आप ये एक्चुअली कई अलग अलग मायने में, कई अलग अलग पहलुओं में हमारे सामने रखा गया है. ही फॉर शी उसका एक और पहलू है कि किस तरह से हमें जेंडर इक्वालिटी, किस तरह से हमें डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन और फॉर दैट मैटर मेन, उनके लिए खड़ा होना चाहिए. सो देर हैज़ टू बी इक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ जेंडर. आप जस्ट बिकॉज एक औरत वो औरत है इसीलिए आप उनको कमज़ोर समझ के या उनको दबा कर रखना या उन्हें वो अचीव ना करने देना या फिर चुप रहना क्योंकि समाज क्या बोलेगा, ये सारी चीज़ों में उनको वो जो औरतें दब के रह जाती हैं आजकल के ज़माने में, वो अब तो नहीं होना चाहिए. इज़ बिकॉज अब हमारा हिंदुस्तान बहुत आगे बढ़ चुका है. सो आई थिंक इट्स टाइम, इट्स अबाउट टाइम कि हम सब लोग जाग जाएं और स्टैंड बाय आप हम सबको औरतों के साथ, चाहे वो हमारी दोस्त हो, बहनें हो, माँ हो, भाभियाँ हो या हमारी गर्लफ्रेंड्स हो, जो कोई भी हो, उनके साथ और उनके संग खड़े रहना चाहिए उनकी इक्वालिटी के लिए. एंड सो डज गो फॉर मेन. और मर्दों के साथ भी बहुत इनइक्वालिटी होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती है. तो उनके लिए भी वी शुड टेक अ पर्टिकुलर स्टैंड जहाँ पर उनके अगेंस्ट जेंडर इनइक्वालिटी रहती है सेक्सिज्म में. सो या दैट्स व्हाट इट इज़.